सो दिस इज़ माई एग्जामिनल एजिटिव रिक्वेस्ट। लेकिन इसी पेज को अगर मैं लोकल होस्ट पर रन कराऊँ तो सी दे विल बी एन एरर। सो दिस इज क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट। सो क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट क्या होता है? बाय डिफॉल्ट मेरा ओरिजिन क्या है और मेरा प्रोटोकॉल क्या है? फाइल। सो विंडो डॉट लोकेशन डॉट प्रोटोकॉल मेरा फाइल है, जबकि जो हम डेटा लेके आते हैं वो HTTP प्रोटोकॉल में होना चाहिए। ठीक है, तो HTTP जब डेटा ट्रैवल करके लेके आएगा तो वो उसको फाइल प्रोटोकॉल पे पुट नहीं कर सकता, वो उसे किस पे पुट करेगा? HTTP पे ही पुट करेगा। ये HTTP है, ठीक है, लोकेशन डॉट प्रोटोकॉल, इसका प्रोटोकॉल क्या है? HTTP। सो HTTP पे डेटा आ सकता है लेकिन फाइल पे डेटा नहीं आएगा। एक लाइव वेबसाइट HTTP HTTPS पे होगी, सो वहाँ पे भी डेटा आपका इजीली आ जाएगा। बट जो डेटा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? वो आ रहा है आपका डेटा डॉट जेसन फाइल से। तो मैंने एक डेटा डॉट जेसन फाइल दे रखी है जो एक ऑब्जेक्ट है। सो लेट्स से फर्स्ट नेम इज जॉन, लास्ट नेम इज स्मिथ, इज द लाइव स्ट्रीम, एज 25, एड्रेस ये है, फोन नंबर आपका ये। तो यहाँ पे जो डेटा, ये जो पेज सेव किया गया है इसका एक्सटेंशन क्या है? डॉट जेसन। ओके, क्योंकि रिमोट डेटा आ रहा है ये डॉट PHP डॉट JSP डॉट ASP किसी भी सर्वर से टेक्नोलॉजी से आ सकता है। ओके, तो जब भी रिमोट डेटा आएगा वो किसी भी बैकएंड के पेज से आएगा। अभी मैं डायरेक्टली कहाँ से गेट कर रहा हूँ? डेटा डॉट जेसन से। सो जेसन आपका एक फाइल है जिससे मुझे डेटा को पुट करना है, गेट करना है। डॉट जेसन सिंपली एक फाइल स्टोरेज है, लेकिन अगर डेटा बैकएंड से आएगा, डेटाबेस उठ के आएगा, तो इसे कौन गेट करेगा? अगर डेटा डेटाबेस से उठ के आएगा जावास्क्रिप्ट कर सकता है? नहीं, जावास्क्रिप्ट में SQL का कोड नहीं होता। ठीक है, जावास्क्रिप्ट क्या करेगा? सिर्फ क्लाइंट साइड पे डेटा को दिखाएगा, क्लाइंट पे डेटा को लेके आके क्लाइंट साइड पे उसको मैनिपुलेट करेगा, लूप लगा लेगा, बट वो क्लाइंट एंड पे। बैकएंड पे क्या हो रहा है? मॉडल पे क्या हो रहा है? बैकएंड की तरफ, सर्वर की तरफ क्या हो रहा है? डेटाबेस है, तो डेटाबेस से कोई सर्वर की ही फाइल उसको गेट कर सकती है। जावास्क्रिप्ट सिर्फ है क्लाइंट साइड पे। सो सी, ये कंप्लीट आर्किटेक्चर ही अलग है। वो सर्वर है और ये क्लाइंट है। सर्वर के लिए मुझे डॉट PHP डॉट ASP या डॉट JSP जावा सबनेट फाइल, कोई एक बैकएंड की टेक्नोलॉजी चाहिए जो डेटाबेस से डेटा को गेट करे, एंड फिर हम उसको एजेक्स के थ्रू क्लाइंट पे लेके आएंगे। सो क्लाइंट पे लेके आने का काम करेगा इसको एजेक्स, और सिंक्रोनस वे में सर्वर साइड से। सो सी देन एजेक्स डॉट ऑन स्टेट चेंज। जब एजेक्स की रेडी स्टेट चेंज होगी तो एक फंक्शन चलेगा जिसमें एक पैरामीटर ई दिया हुआ है। अगर रेडी स्टेट 4 होती है, 4 मीन्स रिस्पॉन्ड ओके हो जाए, मीन्स वी गॉट द रिस्पॉन्ड, हमें रिस्पॉन्ड मिल चुका है, एंड वेब पेज का स्टेटस 200। सो HTML के एरर्स होते हैं 501, 400, 301, फाइल नॉट फाउंड का, रीडायरेक्शन के 200 होता है सक्सेस का, 400, फाइल नॉट फाउंड का। हाँ, ये भी स्टेट्स हैं। रेडी स्टेट्स मीन्स जब आपका डेटा रिस्पॉन्ड कर जाए, मीन्स डाउनलोड हो जाए, लाइक एक 1, 2, 3, 4 इनके वैल्यूज होती है। एक होती है जब एजेक्स स्टार्ट होता है, एक होता है जब एजेक्स लोड हो रहा होता है पैरेलली, और एक होता है जब एजेक्स रिस्पॉन्ड कर जाता है, मीन्स वी गॉट द डेटा, डेटा आ जाता है। सो 4 मीन्स व्हेन वी गॉट द डेटा, हमें डेटा मिल चुका है। तो जब डेटा, एंड अब एक्सेप्शन के लिए आप यहाँ पर रेडी स्टेट को 3, 2, 1 पे भी टेस्ट कर सकते हो अलग अलग केसेस पे, लाइक डेटा पैकेट से आ ही नहीं पाया, ठीक है, क्रॉस कनेक्शन हो गया, बैकएंड का पेज फाउंड नहीं हुआ। सो ये ट्रू की कंडीशन है। सो वेयर टी इज दिस डॉट टेक्स्ट कंटेंट, तो दिस डॉट टेक्स्ट कंटेंट रिस्पॉन्ड टेक्स्ट क्या हुआ मेरा, जो डेटा मैंने बैकएंड से लेके आया। नाउ ये टी में है, तो लेट्स सी टी है क्या। सो कंसोल डॉट लॉग टी, तो यहाँ पर काम नहीं करेगा, यहाँ काम करेगा। सो टी इज वॉट, जेसन ऑब्जेक्ट, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन है, एंड वो कंसोल पे प्रिंट हो रहा है।
नाउ डेटा किस फॉर्मेट में है? जेसन ऑब्जेक्ट होती है ये मुझे इसको पास करना पड़ेगा। ओके सो दैट मीन जो डेटा आ रहा है ये एक्सएमएल फॉर्मेट में आ रहा है और जेसन फॉर्मेट में बैकएंड से आ रहा है। मैंने इसे पास किया टीम में, मतलब मैंने इसको किसमें कन्वर्ट किया, एक जेसन ऑब्जेक्ट में। कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ टी, जो डेटा आ रहा है वो किस फॉर्म में है, स्ट्रिंग। जो वो क्लाइंट पे आ गया दैट वाज अ स्ट्रिंग, बट स्ट्रिंग को हम डायरेक्ट लूप में पुट नहीं कर सकते। सो दैट्स व्हाई हम लोग क्या कर रहे हैं, उसे कन्वर्ट कर रहे हैं, पार्स करेंगे। सो टाइप ऑफ पी, सो पी क्या यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो चुका है, लेकिन टी क्या था, स्ट्रिंग। सो दिस इज द रिस्पॉन्ड एंड दिस इज माई ऑब्जेक्ट फॉर्मेट। सो लूप किस पे लगेगा, टी पे और पी पे, ठीक है। अगर हम टी पे लूप लगाएंगे तो ये एक एक करेक्टर पे रन करेगा, जबकि अगर हम ऑब्जेक्ट पे रन करेंगे तो ये की पे रन करेगा। अगर हम स्ट्रिंग पे लूप लगाते हैं, स्ट्रिंग भी तो कलेक्शन होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, वो एक एक करेक्टर पे रन करता है ऑल वाइट स्पेस। सो फॉर वेर आई इन पी डॉक्यूमेंट डॉट राइट कन्वर्ट, पी का डेटा टाइप क्या हो चुका है, ऑब्जेक्ट है ना, तो इस पर लूप लग सकता है। तो ये डॉक्यूमेंट पे क्या राइट करें, की। सो माई फर्स्ट की इज आई, तो आई क्या है यहाँ पे, जो जेसन की फाइल आ रही है उसका इंडेक्स। तो इंडेक्स मीन्स यहाँ पे इंडेक्स नहीं होता, यहाँ पे की होती है, ऑब्जेक्ट में इंडेक्स नहीं होगा, की होगी। तो आई मेरी की है, देन एम्परसेंड आर डबल आर एक राइट एरो है, देन की का आई इंडेक्स एंड देन ब्रेक पॉइंट, ये वो वहाँ पे इंसर्ट करेगा उसी की एरो वैल्यू राइट स्पेस। सो फर्स्ट नेम एरो जॉन, लास्ट नेम स्मिथ, इज राइट टू एज दिस एड्रेस एंड फोन नंबर। देन Ajax डॉट ओपन गेट, यहाँ पे गेट पोस्ट पुट मैथड होती है। गेट मीन्स वी आर गेटिंग डेटा, पोस्ट मीन्स तब यूज होती है जब आप असिंक्रोनस वे में डेटा को पोस्ट करते हो। लाइक अगर आपको फॉर्म कंट्रोल से सबमिट के डेटा को पी एच पी पेज पर भेजना है, लेकिन पी एच पी का पेज तो आपका एक्शन होता है, आपके फॉर्म का एक्शन होता है, वो न्यू यू आर एल पे जाता है। मैं चाहता हूँ कि यूज़र न्यू यू आर एल पे जाए ही नहीं, तो वो डेटा कैसे जाएगा, सबमिट फॉर्म। लेकिन वहाँ पर जो रिक्वेस्ट होगी वो क्या होगी, आइदर गेट या पोस्ट। पोस्ट क्यों प्रेफर की जाती है, क्योंकि वो यूआरएल पे शो नहीं होता तो वो सिक्योर रहती है, बट एक्चुअल में जो सिक्योर होता है वो एचटीटीपीएस होता है, नॉट एचटीटीपी। एचटीटीपी डेटा को एनक्रिप्ट नॉन एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में भेजेगा, मीन्स क्रेडिट कार्ड नंबर पासवर्ड आपका एक्जैक्टली वैसा ट्रेवल होता है, क्योंकि एचटीटीपीएस में क्या होता है, वो एनक्रिप्ट होकर मीन्स ट्रेवल करेगा। सो मैंने मेथड यूज की गेट, देन आता है आपका फाइल नेम, किस बैकएंड की फाइल से डेटा को गेट कर, या एपीआई का पाथ, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। टू स्टैंड्स फॉर ये असिंक्रोनस है या सिंक्रोनस है, तो अगर यहाँ पर फॉल्स होगा तो ये क्या होगा, सिंक्रोनस, और अगर ट्रू है तो असिंक्रोनस। बेसिकली एजेक्स का मेन 99% लोग क्या यूज़ करते हैं, असिंक्रोनस कॉल बैक, क्योंकि असिंक्रोनस का काम क्या होता है, अगर एक रिक्वेस्ट पहले से चल रही है ये उसको कंप्लीट होने का वेट नहीं करेगा, ये पहले ही दूसरी रिक्वेस्ट पे रन कर देगा। And this is true, then Ajax dot send. So यहाँ पे आपका जो डेटा वो आ सकता है। नाउ यहाँ पे नहीं, वो सेंड नहीं कर रहा, जब हम लोग रिस्पेंड कर रहे हैं ये इसी कंप्लीट प्रोसेस है, वो गेट करेगा, वो सेंड नहीं करेगा। सेंड हम लोग तभी करते हैं जब हम लोग पोस्ट करते हैं, बट ये कंपल्सरी है, इसके बिना ये काम भी नहीं करेगा। तो रिक्वेस्ट कंप्लीट करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा। ओके इफ दिस इज फॉल्स तो दैट मीन्स
ये काम तो कर रहा है लेकिन कंसोल में एक वार्निंग आ रही है, नॉट एन एरर, वार्निंग। अब ये एक रिक्वेस्ट क्या है, सिंक्रोनस है या असिंक्रोनस है? ये सिंक्रोनस है, तो बाय डिफॉल्ट सिंक्रोनस पे एरर आता है कंसोल पे, क्योंकि एजेक्स यूज ही क्यों किया जाता है असिंक्रोनस कॉल बैक के लिए, तो बेटर है यूज असिंक्रोनस। तो इसलिए इसका 99% केस में ट्रू ही यूज किया जाता है। अगर आपका डेटा डॉट पी एच पी फाइल से आ रहा है तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा, डॉट पी एच पी। ये एक्सेल डेटा को गेट कर लेगा, तो मेरी फाइल एक्सटेंशन क्या है, जहाँ से डेटा आ रहा है, डॉट पी एच पी। नाउ वन मोर थिंग, आप यहाँ पर नेटवर्क को रन करो, सो सी टोटल नंबर ऑफ रिक्वेस्ट कितनी है, टू, वन इज डॉक्यूमेंट एंड सेकेंड इज एक्स एच आर, एक्स एच आर मीन्स एजेक्स लिस्ट। तो फर्स्ट आपका स्टेटस है 304 फाइल फाउंड, सेकेंड है 200 मीन्स ओके का, देन फोर क्या शो कर रहा है, जब एजेक्स कंप्लीट हो जाए, रिक्वेस्ट इज कम्प्लीटेड, वो यहाँ पर लिख जाएगा, देन ये आपके सिस्टम से ड्राइव कर रहा है एंड ये उसका टोटल वाटरफॉल दिखा रहा है कि इसका टाइम कैसा होगा, टाइम पूरा का पूरा टाइम लाइन दिखाएगा इसकी, ये कितनी देर में काम कर रहा है। अगर ये रिक्वेस्ट सर्वर साइड है, क्रॉस सर्वर है, क्रॉस डोमेन है, या आपका सर्वर रिमोटली लोकेटेड है, बहुत दूर से आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा टाइम ले लेगा, तो वहाँ पे ये जो सेकंड रिक्वेस्ट है ये आपका टाइम स्लो करेंगे। चलिए एक क्रॉस सर्वर रिक्वेस्ट उठाते हैं, सो इट्स अ फ्री एपीआई जिसमें सिक्योरिटीज की जरूरत नहीं है। तो क्या रिक्वेस्ट एकदम से या ऑलमोस्ट 1 सेकंड लगा इसको, तो सी द टाइम 900 मिली सेकेंड्स, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 1 सेकंड इसको लग गया था। हाँ नेक्स्ट टाइम जरूरी नहीं कि वो उतना ही ले, वो शायद जल्दी ले, बट हाँ फर्स्ट रिक्वेस्ट आपकी स्लो। तो डेटा कहाँ से आ रहा है, बैकिंग से, ओके एपीआई के थ्रू आ रहा है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के थ्रू। अगेन एग्जिट रिक्वेस्ट 200 है स्टेटस कोड फ्रॉम, अच्छा कंट्रोल शिफ्ट आर से पहले उसने कैश डेटा उठाया था, क्या अब कैश डेटा नहीं, अब ये 1.5 केबी साइज दिखा रहा है और 300 मिली सेकेंड दे रहा है। तो जब आप कंट्रोल आर करते हो तो एक बार वो कैश डेटा से भी दिखाता है, इसलिए सी अब डिस्क कैश से आ रहा है तो कंट्रोल शिफ्ट आर प्रेस करना, सी ये ऑलमोस्ट इतना टाइम लगेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो कैश डेटा नहीं था ना, तो ऑन एन एवरेज आपको उसका रिस्पॉन्ड टाइम पता लग जाएगा। और सेम आप इसमें भी कर सकते हो, हर बार कंट्रोल शिफ्ट आर से, ओके क्योंकि ये लोकल है तो ये ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ डॉट पी एच पी होगा तो बस ये होगा क्योंकि सर्वर पे पहले ये एक्सक्लूड होगा, क्योंकि पी एच पी पेज कंपाइल होते हैं और एच टी एम एल के पेज कंपाइल नहीं होते, तो एच टी एम एल की रिक्वेस्ट जल्दी लोड होती है रदर देन डॉट पी एच पी, क्योंकि पी एच पी को पहले सर्वर क्या करता है, कंपाइल करता है देन क्लाइंट को भेजता है, क्लाइंट पे तो हम वही देखेंगे ना जो एच टी एम एल में दिखता है। ओके सो दिस इज माय जेसन है।